बेटा पेज नंबर है 180 और सेट है 2019 का सेट 3 AJ, ठीक है। कितना है बेटा? AJ सेट नंबर है AJ, ठीक है। अब देखो हम पढ़ रहे हैं ध्यान से, तो देखो बेटा जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बट सडनली आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। देखो जब लेंचो ये कहता है कि हमारी खेत को या हमारे खेत को कुछ पानी की जरूरत है, तो क्या होने लगता है? बारिश आती है और बारिश के साथ साथ में क्या गिरने लगते हैं? हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स माने क्या होता? ओले या बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, बर्फ के टुकड़े या पत्थर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, गिरने लगते हैं। और दीज ट्रूली रिसेंबल डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और यही जो टुकड़े थे वो कैसे लग रहे थे? नए नए चांदी के सिक्के लग रहे थे, क्योंकि इससे पहले लेंचो ने क्या कहा था? लेंचो ने कहा था कि ये जो बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट्स हैं, और जबकि बड़ी बूंदे जो हैं वो 10 सेंट्स के समान हैं, ठीक है। फिर वो कहता है द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स पढ़ने इसको, ठीक है। लड़का क्या करता है, जो उसके लेंचो के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बिना किसी कारण के कहाँ आते हैं? जहाँ पर बारिश हो रही होती है, बर्फ़ के टुकड़े छोटे छोटे जो होते हैं उनको कलेक्ट वो करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं? खेल रहे होते हैं। और ये सच में बहुत बुरा हुआ था। मैन शब्द जो आया है, एक्सक्लेम्ड द मैन है, वो लेंचो के लिए आया है। सच में ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि क्या हो गया था? बर्फ आ गई थी, किसके साथ में? पानी के साथ में। ये सबसे पीछे कौन बैठा है? आगे आ जाओ, यहाँ पे उठा भाई, आ जाओ। क्या कोई दिक्कत है क्या बेटा? अच्छा तो तुम हेडडाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हेडडाउन कर लो, ठीक। आगे देखो फिर क्या होता है। अब ये जो हेल स्टोन्स होती है, लेंचो कहता है जल्दी से पास हो जाओ वरना बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, लेकिन हेल स्टोन जल्दी से पास नहीं होता है, घंटों तक बारिश होने लगती है। बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि इट डिड नॉट पास क्विकली, क्विकली के माने शीघ्र, फॉर एन आवर, एक घंटे में जो रेन होती है, हेल रेन, हेल का मतलब जो ओले गिरते हैं, एक घंटे में होता क्या है कि फील्ड वाज वाइट, जो खेत होते हैं खलिहान होते हैं कैसे हो जाते हैं? सफ़ेद। ऑन द हाउस, बर्फ कहाँ गिरती है? हाउस पर गिरती है, गार्डन पर गिरती है, हिल साइड में गिरती है, कॉर्न फील्ड का मतलब होता है जो उसकी फसल तैयार हो रही थी वहाँ पर गिरती है, ठीक है। और होता क्या, इसके गिरने से बेटा क्या हो जाता है? उसकी जो पूरी फसल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत थे वो कैसे लग रहे थे? वाइट लग रहे थे। If माने एज इफ का मतलब मानो, कवर्ड विद साल्ट, और ऐसा लग रहा था कि जैसे किससे कवर हो गए हो? साल्ट। साल्ट का मतलब क्या हो गया? नमक से ढक गए हो। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, बेटा यही आंसर है, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। और उसके जो खेतों के छोटे छोटे फूल, हम बोल सकते हैं जो खेतों में फूल थे, वो क्या हो गए थे बेटा? चले गए थे। और पूरी फसल क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब जैसे इसमें देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले तो क्वेश्चन 2-3 कॉमन पूछ लेता है। क्या पूछता है वो? कि ये बताइए कि लेसन कहाँ से लिया गया है, लेसन का नाम क्या है? तो क्या नाम लेसन का है? अ लेटर टू गॉड। इसके लेखक कौन है? जीएल फ्वेंटेस। वो जो तुम बता रहे थे वो पोएट्री का है, लेकिन तुमने सही था, जीएल फ्वेंटेस ना, ये सही है। वाह, देखो एक बात समझो बेटा, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट डिड लेंचो राइट और व्हाई डिड लेंचो राइट, दोनों में डिफरेंस है, क्या लिखता है और क्यों लिखता है।
इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, वाई वॉज लेंचो सोल फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा या लेंचो का दिल जो था वो दुख से क्यों भर गया या कैसे भर गया या काहे भर गया। तो ऊपर लिखा हुआ इसमें जैसे कि लेंचो की पूरी फसल जो थी बेटा क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसी चक्कर में लेंचो का जो, लेंचो की जो आत्मा थी या लेंचो का जो हृदय था वो क्या हो गया था, फिल्ड विद सैडनेस। ठीक है, अच्छा ये बताइए कौन पर्सन है जो शिकायत कर रहा है, कौन पर्सन शिकायत कर रहा है लेसन स्टेंजा में, वो लेंचो ही है जो शिकायत कर रहा है। किससे कह रहा है शिकायत, किसी और से नहीं कर रहा, वो अपनी वाइफ से बात बता रहा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पूरी फसल स्पॉइल हो जाएगी। ठीक है, समझ पाए समझ पाए। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर दो देखो, इसमें दे रखा आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, राइट एनी थ्री क्वेश्चंस दैट यक्षा आज युधिष्ठिरा, और फिर उसमें लिखा है व्हाट रिप्लाई डिड यक्षा युधिष्ठिरा गिव टू दोज क्वेश्चंस। भाई किसी तीन प्रश्नों के आप, किसी तीन प्रश्नों को दें और उन्हीं तीन प्रश्नों में उन्हीं का जवाब भी दें जो किसने कहा हुआ है, यक्षा ने कहा हुआ है। ठीक है, चलो खड़े हो श्री श्री 1008। हाँ कोई एक प्रश्न बताओ बेटा जो यक्षा ने, यक्षा से, यक्षा ने पूछा युधिष्ठिर से, कोई एक प्रश्न बताओ कोई भी। सुनो बेटा सिर्फ आता है कोई, बैठो उसके पड़ोस में खड़े हो बेटा, कोई एक क्वेश्चन बताओ। बताओ क्वेश्चन कोई एक। हाँ व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, आंसर क्या है, माइंड, आंसर क्या है माइंड। खड़े हो पंडित जी, बैठो तुम बताओ बेटा। हाँ खड़े हो, अबे भैया खड़े हो जाओ बेटा, तुम बैठो बेटा, तुम खड़े हो बताओ बेटा, क्वेश्चन बताओ क्या है। हाँ व्हाट इज हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस क्या होती है, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, क्या होती है, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। ठीक है, चलो चलो भैया तुम खड़े हो, मंगल जी कोई एक क्वेश्चन तुम बताओ, आता है कोई, कोई एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन बताओ बेटा। वेसल है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वेसल माने क्या था, बर्तन या पात्र। ठीक है बैठो, सही क्वेश्चन है, तुम बताओ बेटा भूपेश इसका आंसर। हाँ द अर्थ, सबसे बड़ा पात्र कौन है, अर्थ। ठीक है, ये तो तीन क्वेश्चन हो गए, और जनरल क्वेश्चन देख लेते हैं, तुम बेटा खड़े हो कोई बताओ क्वेश्चन। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, क्या होता है, करेज, क्या होता है। हाँ खड़े हो बैठो, हाँ बताओ बेटा। व्हाट डिफरेंट मैन इन ट्रेवलिंग, हाँ क्या होता है, लर्निंग। देखो जब आप ट्रेवल कर रहे होंगे तो आपको ज्ञान आना चाहिए, तब तो आप ट्रेवल कर पाओगे सही से। ठीक है चलो तुम खड़े हो, हाँ क्वेश्चन ये है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, बेटा बोलो नहीं सुनो सब, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, हिंदी में बताओ तुम इसको। गुड, देखिए बैठो, बहुत बढ़िया जवाब। देखो लोग रोज देख रहे हैं कि बहुत से लोग पृथ्वी से क्या कर रहे हैं, पृथ्वी को छोड़ करके यमास किंगडम जा रहे हैं अर्थात मर रहे हैं, फिर भी जो बचे हुए हैं वो क्या चाहते हैं, और दिनों तक जीना चाहते हैं। तो हम अंग्रेजी में इसको लिख सकते हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट वंडर इज दैट, क्या है, एवरी डे मैन डिपार्ट टू द यमास किंगडम, एवरी डे मैन डिपार्ट टू द यमास किंगडम, यट दोज हु रिमेन, यट दोज हु रिमेन वांट फॉर एवर। ठीक है,
यद्यपि जो बचे हुए लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पूरे जीवन पर्यंत हम ही जीते रहें और कोई ना जिए, समझ रहे हो। अच्छा अब ये तो ठीक बात हो गई, अगला आप ये बताइए बेटा, देखिए तीसरे का देखिए क्वेश्चन नंबर तीन का लिखा है आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 25 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज सोक्रेट्स पनिश्ड, सुकरात को पनिश माने क्या होता है दंड, सुकरात को पनिशमेंट क्यों मिला था, कौन बताएगा बताओ सुकरात को पनिशमेंट क्यों मिला था, बता रुको तुम बताओ बेटा सुकरात को पनिशमेंट क्यों मिला था। सर ही हैड स्मैश्ड हिज सैंड स्क्वाड। बेटा हमने पूछा सुकरात को पनिशमेंट क्यों मिला था, हाँ बताओ बेटा आंसर क्या होगा, सुकरात को गुमराह कर रहे थे। हाँ बहुत बढ़िया जवाब, वेरी गुड, बैठो, बहुत बढ़िया। देखिए जो वहाँ की गवर्निंग पार्टी थी उसको ऐसा लग रहा था कि सुकरात क्या कर रहा है, नवयुवकों को गुमराह कर रहा है, गुमराह करने के लिए सोती है मिसलीड करना, इसीलिए सुकरात को पनिशमेंट मिला था। तो आंसर आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे सोक्रेट्स वाज पनिश्ड बिकॉज द गवर्निंग पार्टी थॉट दैट ही वाज मिसलीडिंग द यंग वंस, ठीक है ना। चलो पंडित जी खड़े हो, हाँ हाँ अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि पहली पोयम कौन सी है, इसमें दो क्वेश्चन है नहीं, कोई पहली पोयम बताओ, अभी आप में एक पोयम है उसका पहली पोयम का नाम क्या है, गुड द फाउंटेन, द फाउंटेन को किसने लिखा है, किसने लिखा बेटा फाउंटेन को, बहुत बढ़िया क्या बात है, द फाउंटेन पोयम पहली है और इसको लिखा है जेम्स रसेल लोवेल ने। अच्छा इसकी चार लाइनें आती हैं सुना पाओगे, रुको चलो बेटा खड़े हो, फाउंटेन की चार लाइन सुनाओ, हाँ इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग, हाँ 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 फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, बहुत बढ़िया क्या है फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, वेरी गुड, तो अच्छी बात है। पीछे खड़े हो श्री श्री 1008 नहीं तुम्हारा भैया, हाँ अब हमको ये बताओ, देखो मैचअप तुम्हें दिखाई पड़ रहा है मैचअप, अब देखो मैचअप में आ जाओ सब लोग, देखो बेटा मैचअप में, हाँ क्या लिखा कॉरेस्पॉन्डेंस, सब लोग देखें करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस का मतलब सबसे लास्ट में होगा एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, करेस्पॉन्डेंस का मतलब है एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, और इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब क्या हो जाएगा सो, वेरी गुड, एट लेंथ का एट लीस्ट, और पर्टिकुलर का मतलब, हाँ बेटा ये एट लीस्ट एट लेंथ बहुत बार आया हुआ है, ठीक है बाकी जो है बैठो बेटा बाकी कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके थैंक यू।